हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज भाई अपन पीडी का क्रैश कोर्स का पार्ट नंबर टू करेंगे, ठीक है। और अभी तक अगर आप लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन है भाई, ठीक है, उस पर क्लिक करके पार्ट वन देख सकते हो। और एक अनाउंसमेंट और है आप लोगों के लिए, इस क्लास का टाइमिंग मैं सुबह 9 बजे कर रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट को टाइमिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है भाई, ठीक है, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे बात कर सकता है, ठीक है। और ये टाइमिंग 31 मार्च तक रहेगी, क्योंकि कॉलेज की भी क्या हो रही है, हॉलीडे हो रही है, ठीक है। तो आज आप स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर टू। तो एक बारी थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं पार्ट नंबर वन के बारे में, ठीक है। तो भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी पता लगे कि पीडी का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। पार्ट वन की थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं। पार्ट वन में अपन ने सीएफ निकालना सीखा था भाई, ठीक है। सीएफ कैसे निकालते हैं, सबसे पहले गिवन इक्वेशन होगी, गिवन इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करते थे। सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करने के लिए कर्ली वाई कर्ली एक्स को पुट करते थे डी, और कर्ली वाई को पुट करते थे डी डैश। साथ साथ बोलो यार, याद हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0, ठीक है, और डी को पुट करते थे एम से और डी डैश को पुट करते थे 1। उसके बाद अपने पास रूट्स आ जाते थे, ठीक है। रूट्स आने के बाद अपने पास सीएफ के दो केस आते थे। पहला केस जब रूट्स क्या हो, रियल एंड डिस्टिंग, रियल एंड डिस्टिंग, ठीक है। मान के चलो मेरे पास 3 रूट आए हैं, M1, M2 और M3। तो इस केस में जो मेरा सीएफ होगा वो क्या होगा, साथ साथ बोलो भाई, 5y प्लस M1x प्लस 5y प्लस M2x प्लस 5y प्लस M3x। अगर और रूट है तो सो ऑन, ठीक है। सेकंड केस क्या था अपने पास, अगर रूट्स क्या जाए, इक्वल आ जाए या बोल दो सेम आ जाए, ठीक है। तो यहां पर इस केस में क्या था, M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M3। तो यहां पर क्या लिखते थे, फर्स्ट रूट को तो लिखते थे एज इट इज, सेकंड के साथ एक्स की मल्टीप्लाई करते थे, थर्ड के साथ एक्स स्क्वेयर की मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। तो ये पढ़ा था भाई अपने पार्ट नंबर वन में। उसके बाद अपने एक पीआई निकालने का केस और पढ़ा था, ठीक है, वो भी एक बारी डिस्कस कर लेते हैं। पीआई निकालने के लिए आप क्या करते हैं, 1 बाई एफ ऑफ डी डी डैश, ठीक है, साथ में एफ ऑफ एक्स वाई। तो पीआई निकालने के लिए जो मेरे पास केस फर्स्ट था वो था, अगर एफ एक्स वाई इक्वल हो ई की ए एक्स प्लस बी वाई, तो आप क्या करते थे, डी को रिप्लेस करते थे ए से, डी डैश को रिप्लेस करते थे बी से। और एक कंडीशन क्या थी, ये पुट करने के बाद ए और बी, ये टर्म क्या नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है भाई। ये था केस नंबर फर्स्ट। आज आप बात करेंगे केस नंबर सेकंड के बारे में। अब केस नंबर सेकंड बोलता है, ध्यान से भाई, ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को। केस नंबर सेकंड, अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू किसके इक्वल हो, साइन ए एक्स प्लस बी वाई और कोस ए एक्स प्लस बी वाई, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, इस केस में मैं पुट करूंगा क्या, डी स्क्वेयर को पुट करूंगा माइनस ए का स्क्वेयर। ये ध्यान रखने की बात है कि अपने को ए का ही स्क्वेयर करना है और उसके आगे माइनस लगाना है, ठीक है। यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू, ठीक है, तो ए का स्क्वेयर, यहां से भी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद डी डी डैश को पुट करेंगे, माइनस का साइन बाहर और ए बी की मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद डी डैश स्क्वेयर को पुट करेंगे, माइनस का साइन बाहर और बी स्क्वेयर। यहां पर भी एक चीज याद रखने की है, वो है क्या, जब आपा डी स्क्वेयर डी डी डैश और डी डैश स्क्वेयर पुट करें तो ये टर्म नॉट इक्वल टू 0 आनी चाहिए, ठीक है। मान के चलो यहां पर पुट कर दिया, पुट करने के बाद ये टर्म नॉट इक्वल टू 0 आनी चाहिए। अगर 0 आ जाए तो उसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं भाई। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है बुक का, स्टेटमेंट है मेरे पास, कर्ली क्यूब जेड बाय
करली एक्स क्यूब माइनस फोर, करली क्यूब जेड वाई, करली एक्स स्क्वायर करली वाई प्लस का फोर, करली क्यूब जेड वाई करली एक्स करली वाई स्क्वायर इक्वल टू टू साइन 3x प्लस 2y। तो इसके भाई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं कैसे निकालते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आपने फर्स्ट वीडियो के अंदर सोल्व भी किया था, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूं। इक्वल टू जीरो लिया था, ठीक है, उसके बाद आपने इसको सोल्व किया था। जो मेरे पास अब है साइन 3x प्लस 2y, तो भाई सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करो। सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको पता है करली बाय करली एक्स को पुट करते हैं डी, और करली बाय करली वाई को पुट करते हैं डी डैश। तो यहां पर पुट करेंगे डी क्यूब जेड, जेड को बाहर ही लिख देते हैं, ठीक है, माइनस फोर डी स्क्वेयर डी डैश प्लस का फोर डी डी डैश स्क्वेयर साथ में जेड इक्वल टू टू साइन 3x प्लस 2y, ठीक है भाई। उसके बाद इसको ऑक्सिलरी में कन्वर्ट करेंगे तो m क्यूब माइनस 4m स्क्वेयर, m क्यूब 4m स्क्वेयर प्लस का 4m इक्वल टू 0। m कॉमन निकाला तो m स्क्वेयर माइनस 4m प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो यहां से जो m की वैल्यू आ गई वो 0, 2 और 2, तीन वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इस केस में cf कैसे लिखते हैं वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। सबसे पहले छोटी टर्म के लिए लिखते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, 5y प्लस 0x, ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 0, mx लिखते हैं, m की वैल्यू 0 है, ठीक है। 5y2, दो रूट क्या है, रिपीटेड है या इक्वल है, तो इस केस में फर्स्ट टर्म को लिखेंगे एज इट इज y प्लस 2x, और सेकंड टर्म के साथ x की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई y प्लस 2x, ठीक है भाई। ये मेरे पास क्या आ गया CF। अब भाई PI निकालना है, PI कैसे निकालते हैं इस केस का वो मैं बता चुका हूं, अब आप लोग बता दो। सबसे पहले क्या करते हैं, वन अपॉन में लिखते हैं, क्या इक्वेशन बनेगी, डी क्यूब माइनस फोर डी स्क्वेयर डी डैश प्लस का फोर डी डी डैश स्क्वेयर, ठीक है भाई। और साथ में मेरे पास क्या है, टू साइन 3x प्लस 2y। तो यहां से देखो 1 बाई डी कॉमन आ रहा है, अगर मैं 1 बाई डी को बाहर निकाल लेता हूं तो यहां पर क्या बच जाएगा, डी स्क्वेयर माइनस का यहां पर क्या बच जाएगा, 4 डी डी डैश, यहां पर क्या बच जाएगा, 4 डी डैश स्क्वेयर, और साथ में क्या है, 2 साइन 3x प्लस 2y। तो अब क्या करो, इसको 2 कॉन्स्टेंट है तो 2 को भी मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, तो बार क्या आ गया 2 बाई डी, ठीक है भाई। अब देखो इसको इसके साथ कंपेयर करो, कंपेयर किया तो मेरे को a की वैल्यू तो मिली 3, तो साइन ए एक्स 3 और प्लस बी वाई, तो b की वैल्यू क्या मिलेगी 2। अब ये क्या बोलता है, पुट करना होता है क्या, डी स्क्वेयर को तो पुट करते हैं आप माइनस का ए स्क्वेयर यानी 9, ठीक है, उसके बाद डी डी डैश को पुट करते हैं माइनस का ए बी, तो माइनस का साइन 6, और डी डैश स्क्वेयर को पुट करते हैं माइनस का बी स्क्वेयर, बी की वैल्यू क्या है 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 4, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, एक बारी फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। मैंने क्या किया, पीआई निकालने के लिए वन अपॉन में लिखना होता है, लिख दिया, उसके बाद ये है 2 बार निकाल लिया और एक डी नीचे से कॉमन ले लिया, ठीक है। फिर इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर किया तो ए की वैल्यू मिल गई 3 और बी की वैल्यू क्या मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई 2। फिर मैंने क्या किया, डी स्क्वेयर को पुट कर दिया माइनस ए का स्क्वेयर, तो ये मेरे पास क्या आ गया 9, ठीक है, ये ए का स्क्वेयर है, ठीक है, ये क्या आ गया माइनस का 9। डी डी डैश को पुट करते हैं यहां पर माइनस का ए बी, तो ए बी की मल्टीप्लाई करी 6 माइनस का 6, और डी डैश स्क्वेयर को पुट करते हैं माइनस बी स्क्वेयर, तो ये क्या आ गया 4 आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है अपने पास, इनकी जगह पे वैल्यू रखनी होती है, तो पुट करो, देखो डी स्क्वेयर की जगह
ये वैल्यू रख दो, डी डी डैश की जगह ये वैल्यू रख दो, डी डैश स्क्वेयर की जगह ये वैल्यू रख दो। तो अब यहां पर वैल्यू रखवाओ भाई, डी स्क्वेयर की जगह मेरे पास आ गया माइनस का 9, ठीक है, फिर आ गया माइनस का साइन 4, डी डी डैश की जगह आ गया माइनस का 6, ठीक है, फिर प्लस का साइन 4, डी डैश स्क्वेयर की जगह आ गया मेरे पास माइनस का 4 और साथ में साइन 3x प्लस 2y, ये आ गया मेरे पास 2 by d, 1 by माइनस का 9, ये आ गया प्लस का 24 और ये आ गया माइनस का 16, ठीक है, माइनस का 16, माइनस का 9, 25, 16, 9, 25 और 25 में से 24 गया तो यहां पर बच गया माइनस का 1, ठीक है। इस माइनस के 1 को मैं बाहर लिख लेता हूं, यहां पर माइनस का साइन 2 by d और साथ में क्या आ गया मेरे पास साइन 3x प्लस 2y। यहां तक किसी को कोई दिक्कत भाई? जस्ट मैंने क्या किया है देखो, एक बारी दोबारा देख लो, एक ही डी स्क्वेयर, डी डैश और डी डैश स्क्वेयर की वैल्यू यहां से निकाली कंपेयर करके और जस्ट इसके अंदर पुट किया और इसको सोल्व किया, ठीक है। उसके बाद भाई तीन चार चीजें होती है जिनका आपको पता होना चाहिए। पहला, अगर डी की मल्टीप्लाई किसी फंक्शन के साथ है, ठीक है, मान के चलो इसके साथ डी की मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब होता है डेरिवेटिव, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर डी की मल्टीप्लाई किसी के साथ है तो इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर डी डैश की मल्टीप्लाई है किसी के साथ तो इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। अगर 1 by d दे रखा है और यहां पर कोई एफ एक्स वाई है तो इस केस में क्या करते हैं इंटीग्रेशन, क्या करते हैं इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली 1 by d' दे रखा है तो इस केस में करते हैं इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। फिर से रिपीट करते हैं, डी के साथ कुछ मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर डी डैश मल्टीप्लाई में है तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स और 1/d' का मतलब होता है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो यहां पर देखो भाई क्या है 1 by d है, तो 1 by d का मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो करवाओ भाई इंटीग्रेशन। अब साइन आपको पता ही होगा, अगर मेरे पास दे रखा है साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, साइन एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन आता है माइनस का कोस एक्स, ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन करवाओ भाई। माइनस का 2 मैंने बाहर लिख दिया और इंटीग्रेशन किसका करना है साइन 3x प्लस 2y और 1 by d का मतलब होता है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो करवाओ इसका इंटीग्रेशन। जब आप साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का 2 तो बाहर ही है, यहां पर आ जाएगा माइनस का कोस 3x प्लस 2y, ठीक है भाई। एक माइनस का ये हो गया, एक माइनस का ये हो गया, तो क्या हो गई ये माइनस प्लस हो गई, ठीक है। जब आप अंदर वाले फंक्शन का करेंगे तो 3 कहाँ जाएगा बाहर आ जाएगा, तो ओवरऑल जो मेरे पास आंसर आया वो आया 2/3 कोस 3x प्लस 2y, ये मेरे पास क्या आ गया रिक्वायर्ड पीआई आ गया, ठीक है। सीएफ ये था, क्या था सीएफ ये था, इसके अंदर क्या करो पीआई को ऐड कर दो भाई, तो मेरे पास क्या आ जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत भाई? एक बारी मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद चार टर्म है जो याद रखनी है, अगर डी की मल्टीप्लाई है तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी डैश की मल्टीप्लाई है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, और 1 by d है तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और 1 by d' है तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो यहां पर क्या था 1 by d, तो अपने को करना है इंटीग्रेशन इसका, तो करो इसका इंटीग्रेशन। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस, एक माइनस पहले से था तो माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, साइन क्या साइन का किया तो कोस, ठीक है, साइन का किया तो कोस और 3x का किया तो 3 नीचे आ गया, दोनों को ऐड कर दो, अपने पास क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड पीआई आ जाएगा भाई, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? उसके बाद भाई एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर
एक तो टू है और एक एग्जाम्पल नंबर फोर है भाई मेरी बुक के अंदर, ठीक है, उसको भी बता देता हूं मैं आप लोगों को कैसे करना है। उसके लिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, बाकी बुक में इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। और भाई कमेंट करके जरूर बताया करो वीडियो कैसी लगी, ठीक है, इससे मेरे को पता चलता है कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है और मेरा पढ़ाने का तरीका ठीक है या नहीं, वो भी बताया करो। और भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, इसी से हमें हौसला मिलता है वीडियो बनाने का, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को बता दो 9 बजे क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, रोज 9 बजे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो। अब देखो एग्जाम्पल नंबर टू है भाई, और भाई सारे एग्जाम्पल कराएंगे तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट क्या करें, वीडियो पूरा देखें, गारंटी लेता हूं लाइफ में कभी नहीं भूलोगे इस चीज को, ठीक है। सिर्फ इसी एक्सरसाइज में टाइम लगना है, बाकी जो एक्सरसाइज 5.2 है नॉन होमोजीनियस वो सबसे इजी है भाई। टीचर्स बोलते हैं कि एक टेबल याद कर लेना, बट टेबल वगैरह कुछ याद नहीं करनी होती उस केस में, ठीक है, जस्ट आपको दो फॉर्मूले बताएंगे उसी से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे भाई, ठीक है। अब देखो भाई ये क्या है, साइन एक्स पी आई, तो इसका आप निकाल ही लोगे, बाकी मैं पार्ट वन में इसका निकलवा भी चुका हूँ पी आई, ठीक है। अब एफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है, साइन एक्स कोस वाई, इसको क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, उसके बाद अपने को आइडेंटिटी तो पता ही है क्या, 2 साइन ए कोस बी, तो इस केस में क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, लगाओ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी लगाएंगे तो 1/2 तो बाहर ही आ गया, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस 2 वाई, ठीक है, प्लस में साइन एक्स माइनस 2 वाई, ठीक है भाई। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, फिर एफ एक्स वाई को कंपेयर करो, साइन ए एक्स प्लस बी वाई साइन ए एक्स प्लस बी वाई, यहां से ए की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू निकालो। एक बारी थोड़ा और बता देता हूं इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो इसको वन अपॉन फॉर्म में लिखो, सबसे पहले तो 1 बाय ये हो जाएगा डी स्क्वेयर माइनस 2 dd, ठीक है, साथ में आ जाएगा 1/2 तो कांस्टेंट है तो यहां पर लिख दिया, ठीक है, साइन एक्स प्लस 2 वाई प्लस साइन एक्स माइनस 2 वाई। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो 1/d² माइनस 2 2d, ठीक है, साथ में क्या आ जाएगा 1/2 और साइन एक्स प्लस 2 वाई, 1/2 को बाहर ही लिख लो क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब आपको आसानी होगी सॉल्व करने में, एक टर्म तो ये हो जाएगी प्लस 1/2 और 1/d² 2 dd, और साथ में क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस 2 वाई, ठीक है। अब इसको क्या करो, इसको अलग से सोल्व करो, इसको अलग से सोल्व करो, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड पी आई, इसको मान लेते हैं I1 प्लस I2, ठीक है, ये I1 क्या आया फर्स्ट पी आई और ये I2 क्या है सेकंड पी आई, बिल्कुल आसान है भाई, ठीक है। जर्नल फॉर्म के साथ कंपेयर करो, ए बी की वैल्यू निकालो, यहां से भी ए बी की वैल्यू निकालो और इसके अंदर जस्ट पुट कर दो, ठीक है भाई, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद भैया आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन के अंदर 4 आइडेंटिटी होती है भाई ये साइन की, ये आपको याद करनी पड़ेगी, याद कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूं। देखो अगर दोनों क्या हो, डिफरेंट हो, दोनों क्या हो, डिफरेंट हो तो साइन में रहेगा, ठीक है, अगर पहले साइन हो तो प्लस का, अगर पहले कोस आ जाए तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, बाकी आइडेंटिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी भाई, ये 4 आइडेंटिटी है भाई, याद कर लो, बार बार यूज होता है इनका। उसके बाद अगर दोनों सेम आ जाए, जैसे कि 2 cos A और कोस बी, तो इस केस में आंसर कोस में रहेगा, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी,
ठीक है, अगर दोनों साइन साइन आ जाए तो इस केस में कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। इन आइडेंटिटीज को याद करने का एक ही तरीका है, क्या? अगर दोनों डिफरेंट हो, यानी कि साइन और कोस हो, तो आंसर साइन में रहेगा। अगर दोनों डिफरेंट है तो आंसर साइन में रहेगा, ठीक है। साइन पहले आता है तो प्लस, साइन बाद में आता है तो माइनस, ठीक है। अगर दोनों सेम हो, यानी कि सॉरी दोनों डिफरेंट हो तो यहां पर सेम रहेगा, ठीक है। दोनों डिफरेंट हो तो यहां पर साइन रहेगा, अगर दोनों सेम आ जाए तो कोस आएगा, दोनों सेम आ जाए तो कोस आएगा। आप इस तरह से ये चार आइडेंटिटी कर सकते हो। उसके बाद एक क्वेश्चन में यूज किया है, वो किया है वन बाई डी स्क्वेयर प्लस डी डैश स्क्वेयर, साथ में दे रखा है कोस एम एक्स कोस एन वाई, ठीक है। टू सेम सेम टू सेम वही क्वेश्चन, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, ये क्या बन गई, ये आइडेंटिटी, इसको अलग से ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये था भाई मेथड नंबर सेकंड, ठीक है। उसके बाद आते हैं मेथड नंबर थर्ड पे।